वेलकम टू जिप्सी डिनरिस्ट। आज लेके चलते हैं आपको एक्सक्लूसिव से डिनर डेट पे मेरे हस्बैंड के साथ। हालांकि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, आप भी अपने पार्टनर के साथ जा सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको प्राइस, ऑफर वगैरह सब कुछ बताऊंगी। अगर आपका पार्टनर तड़प रहा है आपके साथ जाने के लिए किसी 5-star होटल के डिनर डेट पे, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। मीनवाइल जल्दी से हो जाते हैं रेडी। एंड तो ये घटिया सी ड्रेस पहन के मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो तैयार होना ही पड़ा है ऐसे करके। वहाँ पहुँचते ही मेरी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल पे थी। लिटरली मैं क्या कह रही हूँ मुझे पता नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना कि मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। पागल सी हो गई थी खुशी के मारे। फिर बाहर जाके मैंने ये रिकॉर्डिंग भी कर ली बाहर, तो क्योंकि ये तो कैप्चर करना ही था ना कि कहाँ गई थी कहाँ नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ गई हूँ मैं। तो वहाँ जाते ही भाई साहब मैं तो देखते ही दंग रह गई। इतना प्यारा एम्बियंस था वहाँ का। एम्बियंस मॉल में अगर एम्बियंस ना हो तो क्या ही फ़ायदा है फिर, है ना। और ये था वहाँ का स्पेक्ट्रा जो कि हद महंगा था, और खाने में वैरायटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अभी आप आगे आगे देखते जाना कैसा था कैसा नहीं था। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी बिल्कुल, कोई भेदभाव नहीं। ये सुशी थी वहाँ पे, सुशी यूजुअली मुझे पसंद नहीं होती लेकिन सुशी वहाँ की बहुत अच्छी थी। आई एम सो सॉरी, इट्स सुशी, यस। फिर यहाँ पे मैंने लिए अपने ये पापड़, बिकॉज मुझे पापड़ के बिना खाना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और ये चावल थे वहाँ पे, नॉर्मल चावल अच्छे थे, लेकिन और ये पापड़ के बगैर तो मेरा तो खैर खाना पचते नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस इज़ द एक्स फैक्टर ऑफ द फूड। नॉनवेज में वहाँ पे हद से ज़्यादा ऑप्शंस थे एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन। भाई हम ठहरे वेजिटेरियन, हमें चाहिए वेजिटेरियन खाना, पर वहाँ वेजिटेरियन खाना था नहीं। और यहाँ पे भी ज़्यादातर नॉन वेज ही था। ये देखो पता नहीं क्या 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 है, मेरे को तो नाम बोला नहीं जा रहा, बर्मीज एंड ऑल। और ये दाल, चलो फाइनली मेरे को मिली दाल। हमने लिया था बफे, तो ये थी चाट, पालक पत्ता चाट, मूंग दाल चाट। एंड सीरियसली दिस इज चाट यू कॉल इट? चाट ऐसी होती नहीं है यार, गोलगप्पे ना रखो तब तक चाट कहाँ से पूरी होती है ना। गोलगप्पे ना टिक्की, बस ये पालक पत्ता चाट। और ये पनीर टिक्का, वन ऑफ माई फेवरेट्स। और ये पता नहीं कौन से कबाब थे, मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने लिए नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा था कि यहाँ पे डिज़र्ट की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ना खुश हो गई, बिकॉज आई एम अ स्वीट टूथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने खाया सिर्फ एक या दो ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठूसा नहीं गया। और ये बहुत अच्छे तिरामिसू वगैरह वहाँ पे, मतलब ऐसी कोई वैरायटी थी नहीं कि जो वहाँ पे होना हो। मैंने अपने लिए पैनकेक मंगवाया था, भाई उस बंदी ने बहुत अच्छे से बनाया। और ये ब्लू बेरी चीज़ केक, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डिज़र्ट्स। भाई अब एम्बियंस का एम्बियंस देख लो आप लोग, मैं तो पानी देखने में बिजी थी। और मतलब 5-star होटल में जाके इंसान पागल हो ही जाता है ना यार, क्या बेहतरीन फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, कितना अच्छा इंटीरियर्स होता है। तो वहाँ पे बैठे बैठे मैं और मेरे हस्बैंड वीडियो ही बना रहे थे कि काफ़ी चेंज हो गया, बिकॉज़ काफ़ी पहले मेरे हस्बैंड आया करते थे यहाँ पे। सो ये वही स्टेयर्स हैं जहाँ पे मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी। और जाने के बाद तो मैं थोड़ी सी सैड थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनवाई ली यार, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं दोबारा। हाँ जी, आ गए हम वहाँ के बफे से अपना खान पान बढ़िया करके, और लगा वेस्ट ऑफ मनी था लिटरली मेरे को तो ऐसा लगा, बिकॉज आप इतना हेफ्टी ऑफ अमाउंट पे कर रहे हो और आपको खाने में क्या मिल रहा है वैरायटी में, सिर्फ नॉन वेज। आई एम अ वेजिटेरियन, मुझे सिर्फ घास फूस ही खानी होती है यार, कम से कम उसका तो लिहाज कर लो। आप इतनी महंगे पैसे ले रहे हो यार, इतना महंगा कर रखा तुमने सब कुछ, उसके बाद भी तुम। खैर कोई नहीं, डेट तो हस्बैंड की तरफ से थी, तो पेमेंट तो उनकी तरफ से गई, लेकिन फिर भी यार पैसा घर से जाता तो बुरा तो लगता ही है। हाँ, तो व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बफे, इट वाज समवेयर अराउंड 3700 फॉर पर पर्सन, और मतलब दो लोगों का पड़ रहा था समथिंग अराउंड 7000 के अराउंड। तो मैंने डील ली थी ईजी डाइनर से, ईजी डाइनर से मुझे वहाँ से 25% ऑफ मिला, एंड 25% ऑफ ऑन द टॉप ऑफ दैट मेरे क्रेडिट कार्ड पे और भी थोड़ा सी डिस्काउंट था, लाइक अप टू 1000, तो मुझे उसका भी बेनिफिट मिल गया। तो ओवरऑल बिल मैंने पे करा वहाँ पे दो लोगों का समवेयर अराउंड 2100-2500 हो गया अराउंड, एग्जैक्ट फिगर्स आई डोंट रिमेम्बर। बट येस, इफ यू वांट टू हैव अ प्लेजेंट डेट विद अ ग्रेट एम्बियंस एंड इफ इट ऑल योर नॉन वेज लवर, सो दैट प्लेस इज फॉर यू, बिकॉज वहाँ पे इतनी वैरायटी है नॉन वेज की, लाइक कुछ लोगों के तो मेरे को तो नाम भी नहीं पता यार, मतलब लिटरली नॉनवेज में देखती नहीं तो मेरे को नाम क्यों पता होगे। लेकिन हाँ, फॉर द नॉनवेज लवर्स, नॉट ऑफेंडिंग यू गाइस, बट दैट प्लेस इज़ फॉर यू इफ़ यू वांट टू गो विद योर पार्टनर और विद योर फैमिली। वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा थे, स्पेशली वहाँ पे फॉरनर्स काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, बिकॉज वहाँ पे मेरे को लगता है कि एम्बियंस मॉल में ना फॉरनर्स का ज़्यादा वो है, बिकॉज इट्स वेरी नियर बाई टू द एयरपोर्ट एंड वेरी लग्जरी होटल इज़ वेल। तो
तो आप जाएं वहाँ लेके अगर आपका मन है तो, क्योंकि एमबीएस बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपको राजा रानी की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो ये मेरा पर्सनल रिव्यू था, और खाने का टेस्ट अच्छा था, कोई कोई खाना बहुत अच्छा था, कोई कोई खाना बहुत नॉर्मल था, वो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, गलियों में, किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में। लेकिन हाँ, वहाँ का पैनकेक और जो ब्लूबेरी चीज़ केक था, दैट वॉज रियली ऑसम, मतलब शब्द नहीं थे मेरे पास, बहुत ज़्यादा। और हाँ, जिस चाट की मैं बुराई कर दी ना कि ये चाट क्या होती है, बट दैट चाट वॉज रियली अमेजिंग, स्पेशली द पालक पत्ता चाट, वो बहुत अच्छी थी लिटरली। लेकिन वैरायटी फिर भी कम थी यार, 2500 रुपये मैंने दो बंदों के पे करे हैं, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी कम लगा वो। बाकी आप जाके देखो, आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल जाइए एंड एंजॉय।